दोबारा से आ चुके हैं अपने चैनल पर जिसका नाम है नंबर निंजा। रियली नंबर निंजा नहीं है हमारे चैनल का नाम। हमने नया चैनल बनाया है जिसका नाम है साइंस एंड फैक्ट्स। ठीक है, इस चैनल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ चैनल में है क्या। वैसे मैंने अभी ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं इसका जो है वॉल्यूम इसको हटा के भी ऐसे कर सकता हूँ, फिर मेरा फ़ोन से भी रिकॉर्ड हो रही है ऑडियो, और मेरे पास वो था नहीं तो मैंने ऐसे ही कर ली, इससे रिकॉर्ड शायद अच्छी आई। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चैनल है, इस चैनल पे हम अब साइंस की वो चैनल चलता रहेगा, ये चैनल आया नया। ठीक है, इस चैनल पे आपको मिलेंगी मैथ्स की वीडियोस, ठीक है, सॉरी साइंस की वीडियोस। साइंस की वीडियोस में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, जैसे कि अब साइंस के चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे आपके न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। ठीक है, ऐसे ये पहला चैप्टर आपका, ऐसे सारे चैप्टर को हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो ऐसे फिर आपको साइंस में पढ़ा दूंगा, तो इसमें साइंस होगी। और साइंस के बाद मैंने फैक्ट्स क्यों लिखा है कि इसमें हम साइंस के बारे में फैक्ट्स भी बताएंगे, और ये नहीं है कि हम इसमें न्यूट्रिएंट्स ही बताएंगे, इसमें हम आउटर वर्ल्ड स्पेस एंड मेनी थिंग्स बताएंगे। तो मतलब 2-in-1 है ये, इसमें आपको फैक्ट्स भी पता चलेंगे एंड साइंस भी पता चलेगी उनके पीछे की। ठीक है, तो ये सब पता चल जाएगा। ये जो आपका फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स में हाई लेवल के बता दूंगा, पर जो पढ़ाई होगी वो 7th क्लास तक की ही होगी। ठीक है, 8th 7th क्लास तक की। ठीक है, तो उसकी इसी ही रेंज में आपको पढ़ाया जाएगा, पर फैक्ट जो है वो आगे जाएंगे। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं हम पढ़ाना। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा किसकी ऑडियो अच्छी है। मैं इसको अभी जो ये मेरा माइक टाइप है ये कुछ भी, तो इसको मैं इधर रख लेता हूँ, शायद इसकी ऑडियो अच्छी आ जाए या फिर उसकी भी आ सकती है ऑडियो अच्छी। ठीक है ना, मैं इसको अपने लैपटॉप को थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। ठीक है भाई, ये चैप्टर आगे न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। ठीक है भाई, ये अब इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। फर्स्ट ऑल बच्चा जो भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्हें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। ठीक है, तो इसको नीचे चलते हैं अभी थोड़ा सा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डिस्पिक्ट देयर डाइवर्सिटी इन शेप्स एंड साइज, ओके, शो सिमिलरली इन देयर एक्टिविटीज। ठीक है, दे ऑल हैव टू ईट डाइजेस्ट देयर फूड, ड्राइव इन एनर्जी, रिमूव वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम देयर बॉडी। ठीक है, और हाँ जी हाँ, ये भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको दोबारा से लगा लेते हैं। ठीक है, और मैंने आज बहुत चांद लगा रखा है, तो शायद ग्रीन स्क्रीन अच्छी तरह काम करे। ठीक है, तो अगर ये ग्रीन स्क्रीन काम नहीं करेगी तो मैं लगाऊंगा नहीं अपना ऊपर का। ठीक है, जो मैं अगली वीडियो में दिखा दूंगा आपको जो भी है। ठीक है, अगर ग्रीन स्क्रीन काम करेगी तो आप देख ही लोगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, एक्टिविटीज दे ऑल हैव टू ईट डाइजेस्ट देयर फूड, ड्राइव एन एनर्जी, रिमूव वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम देयर बॉडीज, रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंट एंड प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड। ठीक है, इट इज थ्रू देयर एक्टिविटीज दे मेंटेन, ओके, एंड दे कंटिन्यूज देयर लाइफ, एंड दिस बेसिक एक्टिविटी विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इज नोन एज द लाइफ प्रोसेस। ओके, सबको पता है कि भाई जो ये सब कुछ हम करते हैं, खाना पीना करते हैं, मारते हैं, ये सब हम किस लिए करते हैं, लाइफ प्रोसेस के लिए, कि हमारी पूरी जो लाइफ है वो अच्छी तरह बीत जाए। मतलब आपने देखा होगा चोरी कर ली भाई किसी ने, तो चोरी क्यों की, क्योंकि उसे अपनी लाइफ अच्छी बनानी, तो लाइफ प्रोसेस के लिए हम सब कुछ करते हैं। हमें खाना खाना होता है, फिर उसे डाइजेस्ट करना होता है, फिर उसे बाहर निकालना होता है, एनर्जी को ले लेना होता है उसमें से। ठीक है, तो न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सर्शन, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली आर सम ऑफ दीज बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। स्टिमुली सबको पता है स्टिमुली क्या होता है, एक तरह का आपने प्लांट भी देखा होगा जिसको हम हिंदी में छुईमुई कहते हैं। ठीक है, तो उस प्लांट में क्या होता है कि वो स्टिमुली मतलब होता है किसी चीज पे एकदम से रिएक्ट करना। ठीक है, मतलब आप वो भी फूल के जो मतलब वो पेड़ है उसके पत्तियों के हाथ लगाओगे एकदम से वो रिएक्ट करेगा, दैट इज नोन एज दिस स्टिमुली। ठीक है, आपको एकदम से डरा दें और आप रिएक्ट करोगे, बू ऐसे कर दें तो एकदम से वो डर जाएगा ना, सो दैट इज नोन एज दिस स्टिमुली। आपको पता है न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, एक्सर्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली। ठीक है, अभी नीचे चलते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लो। ठीक है भैया, तो ये पूरा एक पेज है, उसके बाद अगला वो आएगा, फिर न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो टू
टू परफॉर्म दिस लाइफ प्रोसेस, ये जो पूरा लाइफ प्रोसेस है हमारा, इसको परफॉर्म करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें सप्लाई चाहिए होता है, कंटिन्यूसली सप्लाई चाहिए होता है किसका, एनर्जी का और मटेरियल्स का, जिन्हें वो खा के अपने एनर्जी एंड मटेरियल्स. ठीक है, द एनर्जी एंड मटेरियल्स कम फ्रॉम द फूड एंड दे ईट. ठीक है, मतलब जो एनर्जी और मटेरियल वो कह रहे हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी देंगे और हमारी बॉडी में सहायक होंगे, वो मटेरियल्स और एनर्जी वो जो मतलब हमारे अंदर ताकत बनाएगी. ठीक है, तो उन वो चीजें हमें कहाँ से मिलते हैं, फूड से जो हम खाते हैं. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और कंज्यूमिंग दी एंड यूटिलाइजिंग द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस, मतलब न्यूट्रिशन. ठीक है, मतलब प्रोसेस ऑफ टेकिंग, ठीक है, खाने को लेने के बाद, उसे कंज्यूम करने के बाद, उसे यूटिलाइज करने के बाद, उसकी सारी एनर्जी को निकाल लेने को हम जो है न्यूट्रिशन कहते हैं. मतलब आप खाना खाओगे, फिर उसके बाद उसे पचाओगे, फिर उसके बाद उसकी सारी एनर्जी ले लोगे, और उसके बाद क्या होगा, वह सारा जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूट्रिशन. तो हम सॉरी न्यूट्रिशंस. ठीक है, तो न्यूट्रिशंस ले लिया हमने. ठीक है, समझ में आया. फूड, अब नीचे चलते हैं एक बारी. यहाँ लिखा है फूड, फूड ये एक अलग से पैराग्राफ दे रखा है इन्होंने अलग क्रम में. ठीक है, सो फूड आर द सब्सटेंसेस फ्रॉम विच एन ऑर्गेनिजम्स डिराइव एनर्जी एंड मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. ओके, इन क्लास सिक्स, ये सेवेंथ के लिए है. ठीक है, तो इन क्लास सिक्स यू हैव लर्न दैट द फूड कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक दी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिशन अलग था, न्यूट्रिएंट अलग होते हैं, याद रखिएगा हमेशा. देखिए भाई, हमने क्या पढ़ा था क्लास सिक्स में, यू हैव लर्न दैट फूड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स. ठीक है, फूड के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में जो है चाहिए होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो भैया ये कह रहे हैं जैसे कि कौन से होते हैं हमारे वो कंपोनेंट्स, वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे जो होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, these components of food are necessary for the body and are called nutrients. मतलब ये सारी जो जितने भी मैंने अभी बताया आपको, ये जितने सारे भी components हैं, ये सारे सारे body के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और उनको हम कहते हैं nutrients, ना कि nutrition. nutrition अलग चीज है, nutrient अलग चीज है. nutrition मैंने बताया खाना लेना, पचाना, energy लेना, उस सबको nutrition कहते हैं. और nutrients जो होते हैं वो हमारे जो कंपोनेंट्स है, वो न्यूट्रिएंट्स में से हम एनर्जी क्या ले रहे हैं, क्या ले क्या रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं. ठीक है, समझ में आया. तो न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, अब देखिए नीचे चलते हैं. इन बोथ एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड मिनरल्स आर सेम. द ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, समझ में आया कुछ. इन बोथ प्लांट एंड एनिमल द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड इज लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड मिनरल्स आर द सेम. ठीक है, जो प्लांट और एनिमल्स के अंदर जो एक बेसिक कंपोनेंट होते हैं फूड के, वो सेम ही होते हैं. जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड मिनरल्स आर सेम, वो सेम होते हैं. तो ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट जो है वो खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो खुद का जो फूड प्रिपेयर करते हैं उन्हें साइड में ही लिखा है. ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं. ठीक है, वो अगली वीडियो में पता चलेगा. ठीक है, तो वो अपना ही खाना बनाते हैं, पर हम उनका खाना खाते हैं, तो हम ठीक है.
तो हम इन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका ही खाना खाते हैं, प्लांट्स का, जो प्लांट्स बनाते हैं। पर जो खाना प्लांट्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं फूड, देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, लाइक जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। हाउ आर द मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ईट रेडीमेड फूड, ठीक है। तो इसी वजह से जो ह्यूमन्स भी हैं वो भी रेडीमेड फूड ही खाते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो हमारे एक मतलब कहें तो एनिमल्स और ह्यूमंस भी एक रेडीमेड फूड ही खाते हैं जो बनाया गया है प्लांट से, ठीक है। तो और प्लांट से और एनिमल से, क्योंकि एनिमल ने भी प्लांट को ही खा रखा है, तो और फिर हम जब एनिमल को खा जाते हैं सो दैट वाई हमारे अंदर इनडायरेक्टली प्लांट्स जा रहे हैं, ठीक है। एज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो जो है खुद, जैसे कि वो खुद अपना फूड नहीं बना सकते, दस द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर निर्भर होते हैं, दैट इज नोन एज हर्बीवोरस कार्निवोरस, ठीक है। वो वोरस वोरस आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया। सो भाई इसके नीचे भी थोड़ा सा कुछ है नहीं, ठीक है। तो हो गया इधर का, जो मामला पानी हो अलग वीडियो में समझाएंगे, 10 मिनट की वीडियो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो जरूरी है, वो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये नया चैनल है इसको सब्सक्राइब करना, और वो जो पिछला चैनल है उसको भी मेरा सब्सक्राइब करना, उसका नाम जो है वो है नंबर निंजा, ठीक है। और ये चैनल का नाम है साइंस एंड फैक्ट्स, इसमें हम फैक्ट्स भी बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।